मैं बहुत भागी हूँ ऐसे ना, आपको पता है अब इन सारे राउंड से, क्योंकि आपको पता है ना मेरा प्रॉब्लम है कुछ भी बोल देती हूँ तो अभी मैंने बड़ा सोच समझ के बोलना है। हीरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मानी के अलावा जिंदगी में कोई और क्रश हुआ कभी? I know the answer. कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि रीजन ये कि जब क्रश हो मुजम्मल नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है किसी हॉलीवुड के एक्टर से, किसी बॉलीवुड के एक्टर से कभी कोई नहीं, काम करने की बहुत दिल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मर मिटी हूँ, बहुत ही अच्छा है, नहीं नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ओके, और किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है बहुत ज्यादा? अब बहुत ज्यादा इस फील्ड में, मतलब हमारे यहाँ पे फवाद खान। ओके, एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन। हां नेक्स्ट, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानिया कोई ऐसा शोबिज फ्रेंड जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, सारे बड़े अच्छे हैं। शोबिज के अलावा वो भी सारे बड़े अच्छे हैं। ओके, अच्छा, अगर इनमें से किसी एक के साथ कहीं वेकेशन पे, मे बी सम बीच रिजॉर्ट पे जाना पड़े, हु वुड यू लाइक टू गो विद? इट कुड बी अफान वहीद, योर फ्रेंड, एंड इट कुड बी जुनैद खान, इट कुड बी फैसल कुरैशी, किसको चूज करेंगे? या फिर मानी नहीं ऑप्शन? मानी के साथ ही जाऊंगी डेफिनेटली। देखिए, हाँ, शूट्स पे जा सकते हैं। हाँ, एक रैंडम क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ रियल थिंग दैट वी आर आस्किंग, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। तो इनफैक्ट जाना भी होता है, अभी हम शायद हॉलैंड जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओह वेरी नाइस, लवली। ओके, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कोई एक मैसेज? ओ अच्छा, जा तुझे माफ की। हाँ वैसे, जा तुझे माफ की, अच्छा अफान, इसका क्या मतलब है? हमारे मुल्क का जो मूवी बचा लेता है एट द एंड ऑफ द डे, मूवी बचनी भी जरूरी है ना, मूवी तो सभी करते हैं बट बचा लेते हैं हमारे भाई, कहते हैं हाँ ये बच पे आ गई ना, मैं देख लेंगे। आपका फोन हमेशा आपके साथ हाथ में क्यों रहता है? मेरे साथ हमेशा मेरा फोन हाथ में रहा, मैं इतनी ज्यादा अपनी सेल्फीज लेती हूँ कि मैं, मुझे लगता है मैं इस एंगल से कैसी लग रही हूँ, मैं इस एंगल से कैसी लग रही हूँ, मेरी कितनी झाइयाँ पड़ गई, मैं 30 साल की हो गई हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ अपने आप को लेकर, तो मैं इसलिए अपने फोन हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और सवाल जवाब दूसरा भी हो सकता है कि मेरे बच्चे बहुत कॉल्स करते हैं, मानी से इन टच रहती हूँ। आई जस्ट सॉ दैट अभी इस शो में बैठे हुए, मुजम्मल का कॉल आया, तो बस ये दोनों चीजें। तो वो फोन शूटिंग के दौरान भी मतलब यही फिक्र होती है घर से कॉल आएगा यार? हाँ डेफिनेटली, अभी मैं कनाडा भी गई थी तो मुजम्मल ने एक टाइमिंग बनाई हुई थी कि आपने इस टाइम पे मेरे साथ स्काइप पे रहना। आपको पता है मैं 5 दिन कनाडा में रही हूँ, 5 दिन मैं रूम में रही हूँ, मैं कहीं नहीं गई, तो मेरा ये प्रॉब्लम है थोड़ा, मेरे बच्चे जो है ना। व्हिच इज अमेजिंग, या आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल, ब्यूटीफुल। कौन सी एक्ट्रेस है उसको फील्ड छोड़ देनी चाहिए? कौन सी एक्ट्रेस है उसे फील्ड छोड़ देनी चाहिए? आई थिंक ये फील्ड आपको खुद ही छोड़ देती है एक टाइम पे, कोई नहीं छोड़ना चाहता ये फील्ड, तो मुझे लगता है कि ये एक टाइम आता है कि खुद ही आप, मैं ही होंगी शायद अपने। अभी तो हीरा तुम्हारा असल करियर तो अब शुरू अपने ऊपर ले लेती हूँ मैं, ये बहुत डेंजरस सवाल है। यू आर अ वेरी गुड एक्टर एंड वी यू लुक वंडरफुल ऑन स्क्रीन। थैंक यू। पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज? पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज थम्स अप। यू लाइक देम? ऑल ऑफ देम होने चाहिए। फेवरेट कौन सा? मॉर्निंग शोज तो फेवरेट मेरे कभी नहीं रहे, मेरी फिल्में बहुत फेवरेट रही हैं, वो भी श्रीदेवी की। व्हाट अ यू नो योर वंडरफुल डाइवर्जन। छुट्टी वाले दिन क्या करती हो? बच्चों के साथ पूल में हम स्विमिंग करने जाते हैं सारे, और हमारा एक ये बस डन है, हमने डिसाइड किया हुआ होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है कि इसमें फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते आप पानी के अंदर, तो हम कहते हैं मानी आ जाओ, तो मेरे बच्चों ने एक हमने किया हुआ है कि हम छुट्टी वाले दिन हम 4-5 घंटे हम पूल में होते हैं, और वो कोई भी होता है, मैरियट या पीसी या जो भी। बहुत ज़्यादा सर्दी में? बहुत ज़्यादा सर्दी में बच्चों छुट्टी में क्या करती हो? बहुत ज़्यादा सर्दी में क्या करती हो? आई लाइक इट। बहुत ज़्यादा सर्दी में मैं एहतियात करती हूँ ठंडे पानी से, और आइसक्रीम्स नहीं खाती, और स्वेटर्स ऐसे पहनती हूँ जो मोटे अच्छे हों, और बच्चों को भी फुल कपड़ा वपड़ा लगा के फिट रहे के। बहुत ज़्यादा गुस्से में? बहुत ज़्यादा गुस्से में मैं चीज़ें तोड़ देती हूँ और रोना शुरू कर दी, और रोना भी शुरू कर देती हूँ सेम टाइम। हाँ ऐसे ना, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? नहीं मतलब चीजें तोड़ना यूजुअली मैंने देखा नहीं आपको कभी ऐसे करते हुए, क्योंकि आपके घर में होता है बस। कभी आया नहीं ना। नहीं मैं एक्चुअली, मेरे भाई हैं 4। ओके, तो गुस्से में ना मुझसे जबान दराजी नहीं होती, मेरे हाथ चलते।
कुछ लड़कियां तेज होती ना, अरे तुम ऐसी तुम्हारी यू नो, मैं कहती हूँ अच्छा ये पटाख, मुंह मेरा बंद होता है, मेरे हाथ से चीजें गिर रही होती हैं सर, मुझे जबान नहीं चलती। ये घर में कभी हुआ है? बहुत दफा हुआ है। मैं चार टीवी अब तक तोड़ चुकी हूँ, लेकिन जब से मुजम्मल बड़ा हुआ है, वो सेंसिबल हुआ है, तो एक दिन आप यकीन करें मैं और मानी बहुत लड़े थे, और मुजम्मल 4 बजे उठा और उसने कहा आप लोगों को मेरे फ्यूचर की फिक्र है। उस दिन हमने सोचा यार ये अब सीन बैड हो गया है। ये जो जुमला है ना फ्यूचर की फिक्र वाला, ये थोड़ा खौफनाक था। उसने याद दिलाया कि मैं बड़ा हो गया, मेरा फ्यूचर है अब, अब आप लड़ नहीं सकते आप लोग। बहुत ज्यादा प्यार में, बहुत ज्यादा प्यार में भी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे रोना आना शुरू हो जाता है, मेरे आंसू। मानी मुझे कहता है कि तुम वो शकील साहब इंडस्ट्री की फीमेल वर्जन, वो भी हर बात पे। ये मानी कितने मजे की जो वन लाइनर है ना। तो मुझे मैं मेरा दिल भर आता है बहुत प्यार में। ओके वंडरफुल हिरा, वेरी वेल प्लेड, गुड। अब बारी है मिस्टर आफान वहीद, क्या यू रेडी? आफान, फ्लर्ट करते हो? बहुत ज्यादा। कभी किसी लड़की से चीटिंग की है? सच बोलना यार, बचपन में कभी? यार चीटिंग में रिलेशनशिप के अलावा हर एरिया में चीटिंग का कायल हूँ, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं। आई एम अ थरो एडवोकेट ऑफ मोनोगमी। वेरी नाइस, बट करियर के अलावा से क्या मतलब है? करियर में मैंने कहा relationship, relationship है। No, but not in career. As in career, you can cheat. No. You don't cheat. You're not a cheater. Of course. नहीं, cheating does not mean कि something hardcore. It also means कि ऐसे a little bit of cheating या game में आपने cheating कर दी, कोई झूठ बोल दिया, इस किस्म cheating तो चलती है। Life को इतना serious में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या? Okay, cool. Mobile कितना use करते हो? यार आजकल मैं ज़्यादा use करना शुरू हो गया हूँ, and I'm not very happy about it. क्यों, रीजन क्या है? वाई यार आंखें थक जाती हैं। मैं ना एक अजीब ऐसे मैसेजेस प्यारे-प्यारे भी आते हैं, कभी जवाब देना। जानलेवा तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, हर वक्त फोन पे लगे होते हैं। क्या करना चाहिए इसके बारे में? थोड़ा डिसिप्लिन लाना चाहिए जिंदगी में, और क्या करना चाहिए? क्या हो गया? वो सही बन रहा है, सही नहीं? नहीं, आई जस्ट वांट टू नो। अच्छा कभी किसी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अपने साथ ले जाने का डेट पर, कैंडल लाइट डिनर पर मौका मिल जाए, व्हाट वुड यू डू? हु वुड यू वांट टू गो विद? सनम सईद। यू लाइक हर सो मच? शी इज रैविशिंग, शी इज ब्यूटीफुल, या नो डाउट, ब्यूटी विद ब्रेन। यस, कभी काम किया उसके साथ? नो, नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं, नेवर इंटरेक्शन? नॉट एग्जैक्टली, यू कांट कॉल इट एन इंटरेक्शन। सनम सईद, आई थिंक सनम सईद यू हैव अ मैसेज, आई होप दिस मैसेज gets to you. Yes, and Affan is really keen ke message aap tak pahunch jaye. Acha, do bahut pyari ladkiyan ho aur dono hi bahut achhi lag rahi ho aur dono se baat karne ka mauka mil raha ho aur dono ke sath flirt bhi kar rahe ho, shaadi kise karenge? Istikhara karke decide karunga. ये दोनों के साथ, ये ऐसा भी, इसीलिए मैंने कहा ना इस्तखारा चेक करो, वर्ड चेक करो इस्तखारा। इस तरह के लड़के होते हैं कि एक वक्त में दोनों की, दोनों दो लड़कियों से इतने पसंद कर रहे हो? हिरा भी आपको नहीं हो सकता? पांच पांच छह छह लड़कियों का एक साथ, यार हिरा क्यों नहीं हो सकता ऐसा? यार वाह, नहीं तो क्या दो शादियां लोग नहीं करते? तीन शादी नहीं, एक ही साथ आप करें ना, दो दो आ जाए, दोनों एक ही। तो व्हाई नॉट? सो आफान, यू वुड चूज डू इस्तखारा? डू इस्तखारा, मुझसे मैंने पहली बार सुना है ये। मैंने मतलब ऐसा, मतलब अ वेरी गुड रिप्लाई दो, बट आई हैव नेवर हर्ड कि लोग ऐसा सोचेंगे कि यार चलो इस्तखारा करें किसके साथ, अगर दोनों ही पसंद है तो इस्तखारा पे तो दोनों से कर लो। हां, दोनों से कर लें, ये भी तो हो सकता है। और वो दोनों कर लेंगे, ये भी हो सकता है कि वो ना करें। मेरा नाम अहसन खान नहीं, मैं आफान वहीद हूं, मैं एक से करूंगा। बिल्कुल सही है आपका, आई गेट द पॉइंट। पाकिस्तान इंडस्ट्री का कोई एक नाम जिसको आप बहुत बड़ा एक्टर मानते हैं? इट कुड बी इन योर लीग, इट कुड बी इन अ सीनियर लीग। यार मैंने पिछले दिन इस बारे में सोचा था, एंड आई गॉट टू तलत हुसैन। वैसे तो बहुत नाम है, as in, you know, तलत साहब is a wonderful actor. It'll be a serious miscarriage of justice if I take one name, but तलत हुसैन। तलत हुसैन, wonderful. कभी किसी production house या channel ने आपकी payment नहीं दी, ऐसा हुआ? यार, I've been very lucky that way. I always get my payment.
अच्छा मुझे भी अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं यार वो देखिए वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे ये नहीं हो रहा बट आई हैव नेवर फेल्ट दैट और मैं उनको बोलता हूँ यार हमारे साथ तो सब बहुत ठीक है हेरा कभी हुआ ऐसा नहीं हुआ ना डिले हो जाती है थोड़ी सी मतलब आगे पीछे डेट्स कुछ आगे पीछे हो जाती है लेकिन होता होगा लेकिन कुछ बेचारों के साथ वाकई होता होगा ऐसे नहीं हमें उनकी भी चीज़ को फील करना चाहिए ये थोड़ी बुरी चीज़ है क्योंकि ये काम होता ऐसा है लेकिन इसमें वाकई पेमेंट्स कभी डिले हो जाती है और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है नो इट्स नॉट ओके बट मिल जाती है आई मीन डिले होना इज फाइन बट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन अ नीड ऑफ दैट अमाउंट एंड दे माइट बी जस्ट सर्वाइविंग ऑन दैट तो मुझे लगता है कि वो मजदूर की मेहनत उसके खून पसीना खर्च करने से पहले देते हैं बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू कि आप किसी के पैसे रोकते हैं नेचुरली ये होना तो नहीं चाहिए कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ आप कभी काम नहीं करना चाहेंगे अहसन खान इसकी वजह किडिंग यार काम कर रहा हूँ ना अभी तुम्हारे नहीं इसकी वजह मुझे आप वजह चाहिए यार आई थिंक यू वेरी गुड लुकिंग यू आर अ ग्रेट एक्टर तो यू विल ओवरशैडो मी आई विल ओवरशैडो यू या बट यू नो आई हैव दिस थिंग फॉर माय को एक्टर्स मेल फीमेल सीनियर जूनियर्स कि मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मैं सिर्फ उनको सपोर्ट करके एनहांस करूँ कभी ये कोशिश नहीं की कि ओवरशैडो करूं मैं आपके नाम का मंदिर जरूर बनवाऊंगी अगर ऐसा नामा खत्म हो गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें के नाम का मंदिर नहीं आपने ऐसा दो सीरियल कर चुकी हैं मत बोलें बिल्कुल मैं आगे भी करूंगी इंशाल्लाह करेंगे आप मेरे साथ काम बिल्कुल करेंगे लेकिन आप ये बताएं कि आप वो क्या अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था या बुरा मुझे हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आपने मुझे बहुत पक्का किया एक्टिंग में रीजन ये क्या अब मेरे सामने जो कोई मजाक भी करता है मैं अपने सीरियस होके अपने डायलॉग्स बोलती हूँ अहसन खान की ट्रेनिंग है क्योंकि अहसन की आदत है बहुत शुगर लगाते हैं और बहुत और ऑब्वियसली खुद एक अच्छे एक्टर हैं तो उस वक्त मैं तो नई नहीं थी ना तो अहसन बड़े कैजुअल ये वो तो मैं कहती थी यार मेरे सीन में ये बात कर रहे हैं श्याम भाई से मैं किस तरह तो लेकिन फिर भी मैं कर लेती थी बहुत अच्छा करती थी यू वर परफेक्टली फाइन ओके जी अफान One overrated actress of Pakistan. Lambi khamoshi. That's a difficult question. I can't come up with the name. Hiramani. Sawal ek, jawab do. Sawal jawab. Uska jawab to dekho kya tha? Koi baat nahi. मैं ऐसे सवाल जवाबों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड और रेडी हूँ और 10 साल से सुन रही हूँ 10 साल तो इंडस्ट्री में आई हूँ यकीनन ये मजाक था नहीं ये मजाक है हिरा मानी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस या सो नो ओवररेटेड एक्ट्रेस यू थिंक पीपल हु आर नॉन एक्टर्स दे कैन नॉट सर्वाइव सो वो खुद ही छांटी हो जाती है आपको ऐसा लगता है बिल्कुल हिरा ने भी यही बात की थी वो छांटी हो जाती है यार लुक्स पे आप ज्यादा देर नहीं चल सकते नहीं चल सकते ये काम बहुत टैलेंट बेस्ड है अनलेस यू आर लकी तो इसमें पवा नहीं चलता हाँ अगर कोई सिफारिश से एक मर्तबा दो मर्तबा काम कर ही ले या किसी तरह से पिया तो वो वही रहता है unless until you are a good actor you cannot survive ये टैलेंट बेस्ड काम है और टैलेंट में किसी का पवा नहीं चलता ये टैलेंट होता है तो आप इसमें रहते हैं टैलेंट एक होता है टैलेंट एक होता है मेहनत शाइस्ता वाहिदी एक मेहनती होस्ट है और नादिया खान एक आमिर लियाकत एक टैलेंटेड होस्ट है No doubt. तो टैलेंट पे वो चल रहे हैं शाइस्ता ने मेहनत करके अपना नाम बनाया तो ये दोनों चीजें हैं इसमें वेरी वेल और अहसन खान कैसे होस्ट है अहसन खान आप तो मल्टी क्या कहते हैं आपकी जुबान में इंग्लिश में मल्टी टैलेंटेड आपकी जुबान इंग्लिश अफान अफान इंग्लिश अच्छी बोलते हैं हां ऑफ कोर्स आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट लड़ते भी ऐसे ना हां कभी सेट पे लड़ाई हुई क्या अफान मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये चीज What a mess, man! I cannot do this. अच्छा? हाँ भाई. किस बात पे? किसी नहीं इतना नहीं. Usually वैसे किस बात पे? आफान किस बात पे सेट पे लड़ाई होती है? यार मेरे discipline के बहुत मसाइल हैं. मैं अगर चीजें time के मुताबिक नहीं. मतलब like what do you call discipline? Is it like the shooting timing, the start? Shooting timing that too. Are you some by any chance a perfectionist kind of person? नहीं perfectionist नहीं OCD है मुझे थोड़ा time के लिहाज से. अच्छा मुझे होता है एक चीज बहुत कम लोगों को होता है ये टाइम नहीं सेट पे बहुत अच्छी क्योंकि मैं भी बहुत टाइम को लेके ना ऐसे और मुझे होता है बस एक्स्ट्रा चीजें ना हो रही हो मेरा और अफान का जो अच्छा इस ड्रामे में रहा है ना तो सबसे पहली चीज ये कि हम लोग बहुत कंसंट्रेट करते थे हम सीन के अलावा हमारा कोई ऐसा नहीं होता था हम सीन करते थे सीन पे कंसंट्रेशन है यार ये कैसे करना है वो कैसे तो ये वाकई में हमने मेहनत की है हमने 20 दफा रिहर्सल की हुई एक एक सीन की वाओ
That's awesome. ये तो थोड़ी ज़्यादा हो गई. मेरा मतलब है सारे मिला के. अफ़ान. Okay, ज़्यादा हो गई. दो दफा रिहर्सल की होगी. नहीं नहीं, चार पांच दफा. तो चार पांच दफा. वो भी कोई मुश्किल सीन्स होते थे. अदरवाइज मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि पीछे कोई बात कर रहा है, कैमरे से आगे कोई गुजर गया है, कोई आवाज आ रही है. यार ये एक रूल है कि आई लाइन, एक्टर की आई लाइन में किसी मक्खी भी नहीं होनी चाहिए. लिटरली इतनी डिस्ट्रैक्टिंग होती है यार. कैमरा इटसेल्फ इज सच अ डॉन्टिंग रियलिटी. यू नो व्हेन यू फेस कैमरा, वैसे ही इतने डरे होते हो. तो आपके सामने से लोग गुजर रहे हैं, घूर के देख रहे हैं, कहाँ लाइन है. अच्छा, दैट्स द वे यू आर. मेरा थोड़ा परसेप्शन ये है कि मुझे कभी कभी जब कैमरा सामने होता है तो आई हैव अनदर, there's a different kind of energy that I have camera ko dekh ke. I'm just, dekho, sabka zindagi mein, it varies from person to person, I agree. Yeah. Yeah. But when I'm not in front of the camera, aap mujhe 50 baar bologe rehearsal kar do, mujhse nahi hoti. Aur jab aapne mujhe bola take, to I'm a different. Acha, Ahsan ki ek aur cheez bhi hai. Ahsan ko na padh ke itna yaad nahi hota jitna sun ke dialogues yaad. To main Ahsan ko na dialogue sunati thi. तो ऐसा सुनते थे तो हम लोग इस तरह याद हो जाते थे. हाँ, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता पढ़ने से. मैं शायद स्क्रिप्ट जब पढ़ता हूँ एक बार कहते थे हाँ ना पढ़ो पढ़ो जोर से पढ़ो मेरी भी लाइंस पढ़ो. अच्छा, सिंस मेरा मीडियम ज्यादा विजुअल रहा है पेंटिंग के लिहाज से, मैं जब तक पढ़ू ना तो मुझे याद नहीं. आई रीड इट वंस और ट्वाइस, लेकिन मुझे एक ऐसा है नेचुरली स्क्रिप्ट्स की हद तक कि इफ आई जस्ट लिसन टू देम आई कैन फील मोर. एंड हिरा यू आल्सो, यू बहुत क्विक हो लंबे लंबे सीन्स याद करने में. मैं जितना पढ़ाई से भागती थी ना ऐसन, उतना मुझे याद करना पड़ता है, उतना मुझे पढ़ना. लेकिन अब मुश्किल नहीं होती होगी याद करने में. अब मुश्किल नहीं होती. क्यों हो जाते हैं आप? हाँ, हो जाते हैं. लेकिन जैसे खलील साहब का मैंने स्क्रिप्ट किया तो वो तो ऐसा था कि मतलब मुझे तो था कि यार मैं पहले तो बहुत टेंशन में. नदीम बेग ने मुझे कहा कुछ नहीं है, ये एक रिदम है. तो अब उनके रिदम को मैंने पकड़ लिया. तो कुछ राइटर्स बहुत ज्यादा ऑब्वियसली कॉन्शियस होते हैं अपने स्क्रिप्ट को. उनको एक लफ्ज भी आप बताओ. तो खलील साहब ने मुझे कॉल की, हिरा तुम मेरा स्क्रिप्ट कई दफा करियो, कुछ रूल्स हैं. मैंने कहा खलील साहब बिल्कुल मैं फॉलो करूंगी. तो ये कुछ स्ट्रेस होता है जब बिल्कुल आपको कहते ना कि आप लाइन नहीं चेंज कर सकते. क्योंकि मुझे फिल्म भी दी और मैं स्पॉन्टेनियस रही हूँ, शो भी स्पॉन्टेनियसली कर लिया. मानी के साथ एक्टिंग भी करती थी तो स्पॉन्टेनियसली मैं कॉमेडी करती थी. लेकिन ये काम अपना लिखा हुआ कोई इंग्लिश का शेर सुना दो. अफ़ान, बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे, कह के दो बोल ये एक उम्र गुजारूं कैसे. वाह, वेरी नाइस. ओके, सार्कैज़म देखा तो वेरी नाइस. यही तो मैं देख लूंगा. ओके, शूट के फौरन बाद क्या करते हो? शूट के फौरन बाद भागता हूँ. कहाँ? वापस घर. योर हाउस इज इन लाहौर, राइट? एज इन Wherever I'm staying, Ahsan. Social ho? बिल्कुल भी नहीं. Not at all. बिल्कुल भी नहीं. क्या वजह? लोगों से मिलना पसंद नहीं? मैं scary हद तक anti-social. क्यों? And I'm not happy about it. नहीं, why don't you want to? यार, I'm not an exhibitionist by nature. I don't like hanging out with people. Any specific? I just have a couple of friends और मैं उनसे मिलता हूँ. अफ़ान को सच्चे और असली लोग पसंद हैं. तो इसको जो मिलते नहीं है इसलिए कि जाता ही नहीं. नहीं 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 नहीं, हिरा शट अप. नहीं, मैं और मानी भी हिरा को शट अप नहीं कहना. नहीं नहीं, कह देखो बात. मैं और मानी भी यूजुअली अवॉइड करते हैं जाना. मुझे लगता है कि काम से रिलेटेड बात अगर काम के बाद भी दोस्तों में हो रही हो तो मजे की नहीं लगती यार. आप अनवाइंड नहीं कर सकते. नॉर्मल बातें करें, आप खाने पीने की बात करें. मुझे लगता है करियर टॉक इतनी है Ahsan. मैं फलाने डायरेक्टर का प्ले कर रही हूँ, मैं फलाना. अब देखें तो नॉर्मल बात करो कि क्या खाया, सोए कब, जिंदगी में क्या चाहिए, और बातें कौन सा पसंद है. यू नो, मतलब इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग कि आप काम सारा दिन करते हैं, उसके बाद आप जा भी रहे हैं तो वही आप सिर्फ अपने करियर बिल्डिंग या मैनूवरिंग के बारे में सोचें कि आपने क्या करना है जिंदगी में. मुझे ये बताओ कि सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक जब आप शूट कर रहे हैं तो उसके बाद तो आप किसी रैंडम बंदे को भी मिलना चाहोगे यार. यू आर ऑन प्राइवेट. वंडरफुल एंड वेरी वेल प्लेड बोथ ऑफ यू. इट्स अ ग्रेट, यू नो, what should I say? It was not rapid fire, it was essay writing. It was, no, it was long. It was actually, answer. मुझे ऐसा लगा कि हमने ये वाली बातें ना पहले कभी की नहीं आपसे. हाँ, वैसे कभी भी नहीं. क्योंकि हम भी सेट्स में मिलते हैं और एक्टिंग की ये बात करते हैं. हाँ, बिल्कुल करते हैं.